हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में जीएस क्रिप्टो में आप सबका दिल से स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले क्या बाकी जेकेडी एप्लीकेशन भाग गया है या बाकी जेकेडी एप्लीकेशन में हम सबका साथ धोखाधड़ी किया है। इस विषय में काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, बातें करेंगे दोस्त, और आप सभी को बाकी जेकेडी एप्लीकेशन का जो फंडा है आज की वीडियो में आप सभी को सच में ये फंडा फड़ने वाले है, तोड़ने वाले है। आप सभी को फाइनली विश्वास हो जाएगा दोस्त। आप सबको आज की वीडियो में फाइनली बताऊंगा जेकेडी एप्लीकेशन ने क्या हम सभी का लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गया है या नहीं। आज की वीडियो में आप सभी को फाइनली दिखाऊंगा लाइव स्क्रीन के साथ, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त वीडियो को अंत तक देख लेना, और जो कोई दोस्त चैनल पे नया आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। एक बात है, आप सभी को इसी तरह हेल्पफुल वीडियो फाइनली मिलता रहेगा दोस्त, और फाइनली आप सभी को फायदेमंद होगा दोस्त। एक बात कहूंगा दोस्त, फिलहाल जेकेडी एप्लीकेशन की जो ओनर है और उन लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से कुछ खास इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। फिलहाल यहाँ बताया गया है हम सबका पैसा ना मिलने का कुछ रीज़न है, और रीज़न क्या है आज की वीडियो में सच में बताऊंगा दोस्त। इसलिए आप सबसे कहूंगा दोस्त पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना, और जो कोई दोस्त चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। तो दोस्त चलिए चलते हैं, क्या रीज़न है और किस रीज़न की वजह से हम सभी का धोखाधड़ी मिल रहा है और हम सभी का बेकार में फंस रहा है पैसा। क्या हम सभी का पैसा वापस दिएगा या नहीं, ये बात तो फाइनली दोस्त है। एक बात पर हम सभी का दिल में डाउट आ रहा है, क्या हम सभी का पैसा दिएगा या नहीं दिएगा। ये तो बहुत ही दोस्त सोच रहा है हम सभी का पैसा नुकसान ही होगा। सो गाइस, एक फाइनली जो SMS आया, इसमें से SMS के द्वारा टेलीग्राम चैनल पे जो भी बताया गया, लगता है हम सभी का पैसा 50% या 75% तक मिल सकता है, क्योंकि या फुल कंप्लीट भी मिल सकता है। ये दोबारा रिव्यू होके जेकेडी एप्लीकेशन हमारे साथ आएगा और हम सबके सामने ऑटोमेटिक चलेगा दोस्त, ऐसा लग रहा है। फिलहाल कुछ दिन के उन लोगों का जो रीज़न था, रीजन का वजह यही था, वो फुटबॉल बोल के एक एप्लीकेशन आया था, उसने उन दोनों का साथ मतलब एक दूसरे का साथ कंपटीशन लगा दिया था। उसके बाद और एक जो क्या एप्लीकेशन था उसका नाम भूल गया, वो तीनों एप्लीकेशन एक साथ कंपटीशन में आया। उसके बाद ये जो जेकेडी एप्लीकेशन का जो ओनर है, उन लोगों को थोड़ा डाउट आया, शायद उन लोगों को लगता है उन लोगों का एप्लीकेशन को बंद करने के लिए शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ रास्ता लिया है उन लोगों को बदनाम करने के लिए। इसी तरह उन लोगों को कुछ बदनाम भी कर दिया, यही शिकायत किया है। शायद हो सकता है ये कंप्लेन वापस ले ले और हम सभी का जो पैसा फंसा हुआ है वापस मिल जाए, और दोबारा जो जेकेडी एप्लीकेशन एप्स जो था वो दोबारा चालू हो जाए दोस्त। उम्मीद करूंगा हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए उन लोगों ने काफ़ी तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल किया है। हो सकता है ये हो जाएगा और फाइनली हम सभी का पैसा वापस मिलेगा। सो गाइस, एक बात आप सबसे कहूंगा, कल की वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फाइनली मिलेगा।